गुड इवनिंग। संविधान की बात के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पहले एपिसोड में बात किया था कि संविधान के जो संवैधानिक पहलू है और जो दुनिया भर के तमाम पॉलिटिकल फिलोसोफर है उनके संवैधानिक सोच के विकास में उनका क्या योगदान रहा है, उनके बारे में हमने पहले एपिसोड में चर्चा किया था। दूसरे एपिसोड में हम सीधे संविधान सभा के पहले दिन का डिबेट जो 9 दिसंबर 1946 को हो रहा था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने अपने रेफरेंस में, अपने भाषण में दुनिया भर के विधान परिषद और संविधान सभा के इतिहास को बताया और वो दुनिया भर के संविधान सभा से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज का एपिसोड संविधान सभा के पहले दिन से रेफरेंस से ही है। पहले दिन के रेफरेंस में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जो कुछ भाषण छूट गया था उसको हम आगे ले चलते हैं। इस रेफरेंस में वो भारत के इतिहास में संविधान सभा की जो मांग हो रही थी और भारत में संविधान होना चाहिए इसकी जो मांग हो रही थी उसको उद्धरण करते हैं। हालांकि हमें इसको बहुत ही क्रिटिकली देखना पड़ेगा क्योंकि एक भाषण में सारे चीज़ों को इंक्लूड तो नहीं किया जा सकता है, तो इसको हम अलग से देखेंगे कि किन किन व्यक्तियों को और किन किन ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने अपने भाषण में इंक्लूड नहीं किया जो संविधान की मांग कर रहे थे। तो मैं सीधे आपको भाषण पहले चलता हूँ और ये पेज नंबर 9 से शुरू होता है। वो कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के विधान निर्माण के कुछ पहलुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर लेने के बाद मैं अपने विधान संबंधी प्रश्न के कुछ पहलुओं की ओर लाभ के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी के सन 1922 में दिए गए एक वक्तव्य में विधान परिषद का जिक्र मुझे मिलता है। 1922 में जिक्र महात्मा गांधी के भाषण में आता है और वो महात्मा गांधी का एक रेफरेंस इंक्लूड करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन की ओर से एक उपहार की तरह नहीं होगा, यह तो भारत को की समस्त मांगों को स्वीकृति सूचक एक घोषणा होगी जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट एक कानून पास कर प्रदान करेगी, परंतु यह घोषणा तो भारतीय जनता की चीर घोषित मांगों को केवल सौजन्यपूर्ण स्वीकृति ही होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि 1934 में रांची में संगठित स्वराज पार्टी ने एक योजना बनाई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव भी शामिल था और 1934 के प्रस्ताव में यह कहा गया कि यह कॉन्फ्रेंस भारत के लिए आत्मनिर्णय के आधार का दावा करती है और इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने का एकमात्र रास्ता यह है कि भारतीय जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विधान परिषद बुलाई जाए जो यह स्वीकृति योग्य विधान बनाए। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1934 में भी इस मांग को स्वीकारा और वो 1936 में भी जो जौनपुर और फैजपुर के दिसंबर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें वो कहते हैं, कांग्रेस की कमेटी ये कही कि कांग्रेस भारत में वास्तविक प्रजातंत्रीय राज्य चाहती है जहां संपूर्ण राजनीतिक सत्ता जनता को हस्तांतरित कर दी गई और हुकूमत संपूर्णता प्रजा के हाथ में हो। ऐसा राज्य का निर्माण हो तो विधान परिषद ही कर सकती है जो देश के लिए विधान बनाने की समस्त सत्ता रखती हो। नवंबर सन 1936 में कांग्रेस की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा था कि भारत की स्वतंत्रता तथा उसकी जनता को विधान परिषद द्वारा अपना विधान निर्माण करने का अधिकार की स्वीकृति परम आवश्यक है। आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जो मुस्लिम लीग था वो संविधान सभा की मांग से सहमत नहीं थे, लेकिन 40 के बाद उन्होंने पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग का रुख विधान परिषद की स्थापना के पक्ष में बदल गया, पर वे दो विधान परिषद चाहते थे, एक तो उस क्षेत्र के लिए जैसे लोग पृथक मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग करती है और दूसरा शेष भारत के लिए। इस तरह कहा जा सकता है कि देश के विधान निर्माण के लिए विधान परिषद की कल्पना इन दोनों प्रमुख राजनीतिकों ने सन 1940 में ही स्वीकार किया और परिषद दिया। उसके बाद बाद में 1940 के दरमियान ही
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसका मतलब है कि एक राष्ट्र अपने चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा अपने स्वशासन निर्माण के लिए अग्रसर हो चुका है। बाद में सपुरुष समिति बनी थी और उन्होंने भी भारत का संविधान सभा होना चाहिए इसके बारे में चर्चा किया था। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के भाषण से जो रिफरेंस है, संविधान सभा के पहले दिन में जो भाषण दे रहे थे, जो अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे, उसका है। लेकिन मैं आपको इस भाषण से इतर ऐतिहासिक मांग है, वो बहुत पहले ही 1917 के ईस्वी में विमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट थी, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में ये कहा गया था कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। फिर बाद के दिनों में देखेंगे कि 1925 के बाद जब साइमन कमीशन आया था तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और उसमें बहुत लंबे तरीके से वो उद्धृत किए थे कि भारत का संविधान कैसा होगा। फिर उसके बाद आप संविधान की जो विस्तृत रूपरेखा है वो एमन रॉय ने खींची, जो 30 से लेकर के 40 के दशक के बीच में 1934 में एक रूपरेखा पूरी तरीके से उन्होंने बनाया और कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। तो इतिहास में आप देखेंगे कि भले ही भारत के प्रथम और स्थायी सभापति हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेफरेंस में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेफरेंस के इतर भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और वो संविधान की मांग कर रहे थे। और अंत में सभापति जी अपना भाषण का इस प्रकार से समापन करते हैं। माननीय सदस्य, मुझे भय है कि शायद मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया, अतः अब अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। भारतीय इतिहास का यह महान और स्मरणीय अवसर अभूतपूर्व है। देश की जनता की बहुसंख्यक श्रेणियों ने जिस अदम्य उत्साह से इस परिषद का स्वागत किया है वह बेजोड़ है। तो इस प्रकार से पहले दिन का पूरा जो संविधान सभा की जो भाषण होती है वो समापन होता है। सभी लोग हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर के बाद पहले दिन का जो सत्र है वो समापन होता है। संविधान की बात के इस तीसरे एपिसोड में बस इतना ही। आप लगातार देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अम्बेडकरनामा को लगातार देखते रहिए।